भिंड जिले के लहार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक जी के निर्देशन पर आदर्श आचार संहिता के पालन में लहार थाना प्रभारी रविंदर शर्मा ने पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इसी कड़ी में थाना प्रभारी रविंदर शर्मा द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के कागज चेक कर नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई। इसके तहत ही थाना प्रभारी रविंदर शर्मा ने आम जनता से अपील की है कि जहां भी अपराधी तत्वों का जमावड़ा देखे तो तत्काल 100 डायल को सूचित करें। फ्लैग मार्च कहें, आप भ्रमण कहें, सामकालीन, तो वो रूटीन में हमारा चल रहा है। लगातार हम भ्रमण करते हैं, कभी एक दो दिन का गैप भी हो सकता है। उसका उद्देश्य केवल इतना सा है, जो बाजार व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, वो दुरुस्त हो जाए। व्यापारियों से हमने निवेदन किया है कि वो अपना सामान को अपनी सीमा में रहें, रोड पर ना लाएँ। साथ साथ लहार में मुझे ये भी देखने में आया, बहुत सारी ऐसी बाइकें जो घूमती हैं, इनमें नंबर प्लेट ही नहीं है, तो वो भी उद्देश्य है कि आकस्मिक चेकिंग उनकी की जाए। कई बार चोरी की गाड़ियों का उपयोग लोग करते हैं, तो जिनकी वास्तव में मोटरसाइकिल हैं, उनके ओनर हैं, तो उनमें हम नंबर प्लेट लगवा सकें। प्लस असामाजिक तत्वों के बैठने की भी बहुत जगह से सूचनाएं आती हैं कि भाटनताल पर शराबखोरी होती है, शराब पीने वाले बैठते हैं। इस दृष्टि से हमने, चाहे वो भाटनताल हो, चाहे महाराणा प्रताप चौराहा हो, चाहे स्टेडियम हो, या आपका तहसील रोड हो, जहाँ जहाँ से शिकायतें मिली हैं वहाँ पर गश्त बढ़ाई है, और लगातार इस पर हम गश्त बढ़ाएंगे। असामाजिक तत्वों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।